सो हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम टू दी वेबिनार। सो आई थिंक कोई इशू नहीं हो रहा है। एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? यस, एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? कैन यू प्लीज रेज योर हैंड्स और डू कमेंट्स। एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? यस, ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक वंस अगेन। सो आई होप आप सभी लोग स्वस्थ हैं, अच्छे हैं, एंड आई होप ये फेस्टिव मंथ बहुत अच्छे से जा रहे हैं। आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए आज का वेबिनार का शुरुआत करते हैं, यानी कि बहुत ही अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से अक्टूबर का क्लोजिंग हो चुका है आप लोगों का। सो कंग्रेचुलेशंस टू एवरीवन एंड आवर न्यू रैंक अचीवर्स। वी हैव मेनी न्यू रैंक अचीवर्स, सो कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। एंड वंस अगेन, बहुत दिन बाद फिर से मुलाकात हो रहा है आप लोगों के साथ। आई होप कि आप लोग अच्छे हैं। सो कैन आई आस्क यू ऑल अ क्वेश्चन? हाउ आर यू ऑल? सो कैसे हैं आप लोग, थोड़ा कमेंट करके बताएंगे कि आप लोग कैसे हैं। आर यू ऑल फाइन? यस, ओके ओके, ऑल आर फाइन। एवरी कमेंट्स आर कमिंग, ऑल आर फाइन, फैंटास्टिक, ओके ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर कमेंट। एंड वंस अगेन, वार्म वेलकम टू एवरीवन इन दिस वेबिनार। एंड मैं हूं अनुषा सेन, आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए आज का वेबिनार का शुरुआत करते हैं। सो जैसे कि आज वेडनेसडे है एंड नवंबर का फर्स्ट डे है, यानी कि नवंबर आ चुका है एंड अभी भी फेस्टिव मंथ खत्म नहीं हुआ है। इसीलिए आप सभी को पता भी है, बहुत सारे फेस्टिव ऑफर्स ऑलरेडी आ चुका है। एंड आई होप आप सभी लोग ऑफर्स को देख चुके हैं एंड ऑफर्स को लेके बहुत ही एक्साइटेड है। एंड दिस इज द मंथ वेयर कंपनी इज गोइंग टू टेक यू ऑल इन थाईलैंड। सो जो लोग ऑलरेडी अचीवर्स हैं, तो उनको उनके लिए ये बहुत ही एक्साइटेड एक मंथ होने वाले हैं। एंड ऊपर से ऑफर्स भी बहुत अच्छा है। सो 21st तक बहुत सारे ऑफर्स हैं एंड आई थिंक आप सभी के पास पोस्ट भी पहुंच चुका है। अगर पोस्ट नहीं पहुंचा है तो आप लोग पॉपअप में देख सकते हैं, वेबसाइट में डाला हुआ है सारे ऑफर्स। सो आज वेडनेसडे है, जैसे कि वेडनेसडे में आप लोगों को पता है कि लगभग ज्यादा से ज्यादा दिन हम लोग पर्सनल केयर एंड ब्यूटी केयर प्रोडक्ट्स के ऊपर वेबिनार को रखते हैं। सो सेम एज आज का वेबिनार भी पर्सनल केयर एंड ब्यूटी केयर प्रोडक्ट्स के ऊपर रहेंगे। सो इसके लिए आई होप कि आप लोगों का आज का जो वेबिनार रहेगा, ये आने वाले दिन में, यानी कि ये मंथ के लिए, एंड नॉट ओनली फॉर नवंबर, अभी जो 3-4 महीने रहेंगे, ये अपकमिंग जो मंथ्स हैं, उनके लिए आज का वेबिनार बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जैसे कि मैंने पिछले वेबिनार्स में कुछ तो आप लोगों के साथ शेयर किया था कि वेदर चेंज हो रहा है एंड वी नीड टू कीप सम चेंजेस, वी नीड टू ब्रिंग सम चेंजेस इन आवर स्किन केयर रूटीन। सो वैसे ही आज का वेबिनार आई होप कि आप लोगों के लिए बहुत ही एक अच्छा वेबिनार रहेंगे, जाके आप लोग आगे दिन में, आगे मंथ्स में आप लोग अच्छे से खुद का भी ध्यान रख सके एंड दूसरों को भी भला कर सके एंड दूसरों का भी ध्यान रख सके। सो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के वेबिनार के साथ। एंड अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन, कोई भी सवाल, कोई भी क्वेरीज अगर है आज के वेबिनार के रिलेटेड, अगर कोई भी क्वेरीज, कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आते हैं, देन प्लीज कीप इट ऑन योर माइंड एंड एट द एंड ऑफ दिस वेबिनार आप कर सकते हैं वो सवाल एंड आई विल गिव यू दैट आंसर। अगर कोई भी सवाल आप लोगों के दिमाग में आता है ड्यूरिंग दिस वेबिनार, तो आप एंड में वो सवाल डाल सकते हैं, मैं आपको जवाब दूंगी, लेकिन वो आज के वेबिनार से रिलेटेड होना चाहिए। एंड वंस अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट अवर रूल्स एंड रेगुलेशन। जैसे कि आज लोग, जितने लोग फर्स्ट टाइम आए हैं ये वेबिनार में,
जो एकदम फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं ये वेबिनार. सो उनके लिए मैं रूल्स एंड रेगुलेशन जरूर रिपीट करना चाहूंगी, क्योंकि आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन नहीं रहते हैं, लेकिन आप लोग म्यूट रहते हुए भी इंटरेक्ट कर सकते हैं थ्रू आवर चैट बॉक्स एंड बाय रेजिंग योर हैंड्स. सो चलिए, और देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं आज का वेबिनार, यानी कि आज के टॉपिक में डायरेक्टली चले जाते हैं. सो आज का टॉपिक बहुत ही रिलेटेबल एक टॉपिक है, एंड आई होप स्क्रीन शेयर हो रहा है. कैन यू प्लीज हेल्प मी आउट कि स्क्रीन शेयर हो रहा है, सबको मेरा स्क्रीन दिख रहा है? यस, कैन यू प्लीज रेज योर हैंड्स और डू कमेंट्स कि स्क्रीन दिख रहा है? यस, ओके ओके, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन. ओके, सो लेट्स कंटिन्यू. सो जैसे कि मैंने कहा कि ये आगे आने वाले दिन के लिए बहुत ही एक फायदेमंद वेबिनार होने वाले हैं, एंड ये वेबिनार का स्क्रीन, फर्स्ट स्क्रीन देख के ही आप लोगों को पता चल गया है कि आज का टॉपिक क्या होने वाला है. यस, क्योंकि ये नवंबर है, एंड वी नो कि जब भी अक्टूबर नॉक करते हैं डोर में, तो हम लोगों को एक टेंशन, मतलब जो लोग स्किन को लेके बहुत ही कंशियस होते हैं, तो उनके दिमाग में, उनके माइंड में एक चीज आना स्टार्ट हो जाता है कि अभी क्या करना है, क्योंकि अभी तो वेदर चेंज होने वाला है, अभी तो नया सीजन आने वाले हैं, तो अभी क्या करना है. सो ये जो वेदर चेंज होने वाला है, अभी बहुत सारे जगह में विंटर हैज बीन अराइव्ड, मतलब बहुत सारी जगह में नॉर्थ के साइड्स में विंटर आ चुके हैं, बहुत सारी जगह में विंटर्स ऑलरेडी पहुंच चुका है, एंड इन एवरीवेयर अभी ये हम लोग बता सकते हैं कि उतना भी ज्यादा गर्मी नहीं है. सो वेदर इज चेंजिंग, एंड नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये जो 4 महीना एटलीस्ट, ये तो बहुत ही एक प्रीशियस टाइम होता है दोजो लव्स विंटर, एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ अस लव्स विंटर. विंटर सीजन सबको बहुत पसंद है, लेकिन ये विंटर सीजन पसंद जिनको है उनको भी, और जिनको पसंद नहीं है उनको भी, सबके लिए आज का वेबिनार बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये विंटर में हम लोग का सबसे ज्यादा प्रॉब्लम अराइज होते हैं, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं, एंड वी गेट वेरी कंफ्यूज्ड कि अभी क्या करना चाहिए, अभी स्किन में क्या अप्लाई करना चाहिए. एम आई राइट? सो आई वॉन्ट टू नो वन मोर थिंग आप लोगों से, और एक चीज मुझे जानना है कि किसको किसको विंटर सीजन बहुत पसंद है. कैन यू प्लीज डू कमेंट्स, किसको विंटर सीजन बहुत पसंद है? कैन यू प्लीज, जिसको पसंद है कैन यू प्लीज राइट मी, M-E मी, क्योंकि मुझे तो विंटर सीजन बहुत पसंद है, एंड आई कैन से कि इट्स माय फेवरेट सीजन. सो ये यस मी, बहुत सारा कमेंट्स आ रहा है. यस, सो आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल लाइक विंटर सीजन, एंड सबके लिए ये बहुत ही एक पसंदीदार सीजन है, क्योंकि मौसम अच्छा रहता है, घूमने के लिए मौसम अच्छा होता है, एंड एवरीथिंग, वी गेट लॉट ऑफ फ्रूट्स, वी गेट लॉट ऑफ फूड्स, एंड बहुत सारी कुछ एंजॉय हम लोग कर सकते हैं, एंड सो ऑन. सो हम लोग कंटिन्यू करते हैं आज के वेबिनार के साथ. सो वेबिनार को देख के ही आप लोगों को पता चल रहा है कि आज का टॉपिक क्या है. सो डोंट फियर फाइंडिंग द परफेक्ट प्रेजेंट इन दिस विंटर, आज का टॉपिक ये है, यानी कि जब भी विंटर अराइव होते हैं, जब भी विंटर आते हैं, तो हम लोग डर जाते हैं, हम लोग सोचते हैं कि अभी क्या करना चाहिए, स्किन में क्या यूज करना चाहिए. सो आई एम हियर टुडे टू क्लियर ऑल योर डाउट्स कि विंटर में क्या यूज करना चाहिए, विंटर में क्या प्रोडक्ट्स यूज करने से आपका विंटर सेफली आप गुजर पाएंगे, एंड यू विल नॉट फेस एनी इश्यूज इन विंटर. सो टुडे दिस वेबिनार इज फॉर यू एवरीवन, मतलब ये आप सबके लिए है, क्योंकि विंटर हर जगह में आता है, एंड हर किसी को विंटर में प्रॉब्लम्स आते हैं, हर किसी को, चाहे वो मेल हो, चाहे वो फीमेल हो, चाहे वो बेबी हो, हर किसी को प्रॉब्लम आता है, लेकिन वो प्रॉब्लम को डील कैसे करे, यहाँ पे हम लोग का कंफ्यूजन होता है. सो टुडे दिस वेबिनार इज फॉर यू ऑल कि हाउ टू डील विद दैट प्रॉब्लम्स. सो जैसे कि टॉपिक देख के आप लोगों को क्लियर हो रहा है कि आज का वेबिनार
कौन से प्रोडक्ट्स के ऊपर होने वाले, या डेफिनेटली विंटर्स में हम लोग कैसे अच्छे रहेंगे, विंटर्स में खुद को कैसे हम लोग अच्छे रख पाएंगे, उसके लिए आज का वेबिनार है। सो चलिए वेबिनार के साथ आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मौसम तो बहुत हसीन रहते हैं ये विंटर सीजन में, सो ये विंटर सीजन के साथ हम लोग की स्किन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाता है, राइट? सो व्हाट हैपेंस टू आवर स्किन व्हेन विंटर एंटर्स? ये एक बहुत ही कॉमन सवाल है एंड बहुत ही एक कॉमन मैटर भी है। जब भी विंटर आता है तो वी कैन सी सडन चेंजेस इन आवर स्किन। हम सब देख सकते हैं कि स्किन में कुछ सडन चेंजेस आ रहे हैं, कुछ में कुछ स्किन में इश्यूज आ रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, एंड वो विंटर्स आते ही वो स्टार्ट हो जाता है। नियर अबाउट जब भी अक्टूबर लास्ट फ्यू डेज एंड फ्रॉम नवंबर इट हैज बीन स्टार्टेड, राइट? सो अभी से हम लोग का प्रॉब्लम्स आना धीरे 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 स्टार्ट हो रहा है। सो क्या क्या ऐसा प्रॉब्लम है जो आता है विंटर में? बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स है। आप लोगों को भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स पता होगा, आप लोगों को भी पूछा जाएगा तो आप लोग भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स बता पाएंगे, क्योंकि आप लोगों का ये रिलेटेबल, बहुत आप लोगों से रिलेटेड है, हम सभी से रिलेटेड है। सो जब भी विंटर आता है तो पहला चीज जो होता है वो है स्किन ड्राई हो जाना, राइट? सो स्किन बहुत ड्राई हो जाता है एंड इसका कारण क्या है? क्योंकि ह्यूमिडिटी ड्रॉप होता है। लो ह्यूमिडिटी की वजह से हम लोग का स्किन बहुत वीक हो जाता है एंड स्किन ड्राई एंड फ्लेकी बन जाता है। एंड नॉट ओनली दिस, हम लोग का जो एयर होता है सराउंडिंग में वो भी बहुत ड्राई बन जाता है। ये हम लोग का स्किन में मॉइस्चर रिटेन करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। जब सराउंडिंग का एयर, सराउंडिंग का ह्यूमिडिटी बहुत लो होता है तो स्किन का मॉइस्चर ड्रॉप होता है एंड दैट इज द रीजन वी फेस सो मच ऑफ प्रॉब्लम्स इन विंटर। सो विंटर में ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं स्किन रिलेटेड, नॉट ओनली फॉर आवर फेस, हम लोग के बॉडी में भी। आवर हैंड्स गेट वेरी रफ, आवर लेग्स गेट, आवर फीट गेट वेरी रफ, एंड बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाता है। सो ऑल कैन रिलेट विद दिस एंड आई थिंक सभी का ऐसा प्रॉब्लम्स हर साल आता है, हर साल। इट्स नॉट अ न्यू थिंग, इट्स नॉट अ वेरी अनयूज थिंग, ये सब फेस कर चुके हैं एंड हर साल ये रिपीट होता है, लेकिन इस बार ये हम लोग रिपीट नहीं होने देंगे। अगर हम लोग पहले से प्रिकॉशन लेते हैं, पहले से अगर वो प्रोडक्ट्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं जिससे हम लोग का ये सारे प्रॉब्लम्स हम लोग दूर रख सकते हैं, then we can get a very good and glowing skin in winter too. So, आज ये वेबिनार इसीलिए है कि ये जो हर साल हम लोग प्रॉब्लम फेस करते हैं, हर साल जो ये स्किन में एक रफनेस, एक डलनेस, एक ड्राई स्किन, ब्लैकी स्किन, ये जो आता है, क्या इससे हम लोग बाहर आ पाएंगे, क्या हम इससे प्रोटेक्टेड रह पाएंगे? सो दिस वेबिनार्स इज फॉर पर्टिकुलर दिस विंटर सीजन एंड मोर ओवर ये जितने सारे हम लोग का प्रॉब्लम्स हैं जो हम लोग हर साल फेस करते हैं, ये साल हम लोग फेस ना करें, इसके लिए हम लोगों को ये प्रिकॉशंस लेना चाहिए। सो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या प्रिकॉशंस एंड क्या क्या प्रॉब्लम्स, मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स जो विंटर में आते हैं, मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स। नंबर वन तो ड्राई एंड इरिटेटेड नोज। सबसे पहले अगर किसी का बहुत ऑयली स्किन है ना, उनका भी नोज बहुत ड्राई हो जाता है। एंड सेकेंडली दैट इज चैप्ड लिप्स, लिप्स बहुत ड्राई हो जाता है। एंड मतलब मानिए कि जो कोई भी व्यक्ति जो कभी भी कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करते हैं, फिर भी उनको विंटर में कुछ ना कुछ प्रोडक्ट तो इस्तेमाल करना ही पड़ेगा खुद का स्किन को सही रखने के लिए। एम आई राइट? क्योंकि जब भी मतलब ये पहले से अगर कुछ साल पहले भी का भी बात करेंगे तो भी ये बहुत कॉमन है कि जो व्यक्ति हर साल कुछ इस्तेमाल नहीं करते लेकिन विंटर जब आता है तो दो तीन प्रोडक्ट तो हमेशा यूज करेंगे। एक तो है मॉइस्चराइजर, एक है लिप बम एंड एक है बॉडी लोशन, राइट? ये सबके घर का कॉमन कहानी है, सबका ये सेम स्टोरी है सबके घर में। अगर हर साल दादी नानी मम्मी ये सब कुछ इस्तेमाल नहीं करते हैं फिर भी
जब भी विंटर आता है तो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स तो यूज करते ही है, राइट? सो सेम एज ये सारे कॉमन प्रॉब्लम्स जो आते हैं, एंड इससे बचने के लिए हम लोग प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करते हैं. सो पहला जो प्रॉब्लम है, ड्राई एंड इरिटेटेड नोज, एंड इसके बाद ट्रैप्ड लिप्स, शेविंग, इवन शेविंग कट्स, स्पेशली फॉर जेंट्स, क्योंकि स्किन बहुत ड्राई हो जाता है. तो आप लोग जब शेविंग के लिए जाते हैं या फिर घर पे शेविंग करते हैं तो शेविंग कट्स होते हैं, एंड इट्स रियली वेरी पेनफुल. एंड इसके साथ ड्राई एंड इची पैचेस ये भी आते हैं, क्रैक्ड हील्स, जैसे कि सिर्फ फेस का बात नहीं, बॉडी भी रफ होता है, लेग्स भी रफ होते हैं, फिट्स हील्स ये भी बहुत रफ होते हैं, क्रैक्ड हील्स बहुत आते हैं, एंड स्पेशली इन विंटर्स एवरीवन फेस दिस प्रॉब्लम, क्रैक्ड हील्स. सो ये भी एक कॉमन प्रॉब्लम है. एंड आईब्रोज ईच एंड फ्लेक्स, आईब्रोज में भी ईची फ्लेक्स, ऐसा लगता है कि स्किन ऊपर से उठ रहा है, इतना ड्राई हो जाता है, इतना रफ हो जाता है स्किन, दैट यू फील्स कि स्किन उठ रहा है ऊपर से. ये सारी कॉमन प्रॉब्लम्स हैं. डेफिनेटली यूवी डैमेज इज वन ऑफ द मेन प्रॉब्लम इन एवरी सीजन. एंड इरिटेशन एंड रेडनेस ये भी एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है विंटर में. जिनका स्किन बहुत ड्राई है या फिर ड्राई है, उनका स्किन रेड हो जाता है, देयर जस्ट चीक्स, इफ यू सी, आप लोगों में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे प्रेजेंट है जो जूम में आज देख रहे हैं लाइव, उनमें से भी ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जिनका विंटर के टाइम चीक्स रेड हो जाते हैं. अगर किसी का ऑयली स्किन है तो भी अगर वो बाहर निकलते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स उनका भी स्किन रेड हो जाता है. सो दीज ऑल आर दी सम कॉमन प्रॉब्लम्स. इसके आगे भी, इसके बाद भी बहुत ज्यादा बहुत पॉइंट्स हैं जो मैं एक बार में एक स्लाइड्स में नहीं दिखा पाऊंगी. सो इसके साथ भी और भी सारे प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स आर दिस, लेकिन इसके साथ भी और भी सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं. सो अभी ये सारी कॉमन प्रॉब्लम्स, ये सारे प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए, ये सारे प्रॉब्लम से खुद को बचाने के लिए, खुद को सही रखने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? सो चलिए आगे बढ़ते हैं इसके लिए, क्योंकि ये सारे कॉमन प्रॉब्लम्स एंड सारे जो प्रॉब्लम्स हम लोग फेस करते हैं, इसका एक सोल्यूशन आज हम लोग देखेंगे. एंड इसके लिए एसएचपीएल कैन गिव यू अ वेरी गुड रेंज ऑफ विंटर प्रोडक्ट्स. एसएचपीएल आपको एक वर्स रेंज ऑफ, एक ह्यूज रेंज ऑफ, एनर्मस रेंज ऑफ एसएचपीएल विंटर केयर प्रोडक्ट्स आपको प्रोवाइड कर सकते हैं. एक बहुत अच्छा रेंज आपको प्रोवाइड करते हैं जिससे आपका स्किन विंटर में भी सही हो सकता है. ये जितने सारे प्रॉब्लम्स आप लोग फेस करते हैं, वो सारे प्रॉब्लम से अगर आपको बाहर आना है, वो सारे प्रॉब्लम से अगर आपको डील करना है, देयर इज अ सोल्यूशन, देयर इज अ एनर्मस रेंज ऑफ विंटर केयर प्रोडक्ट्स हियर, जिससे आपको हेल्प हो सकता है ये विंटर को बेहतरीन तरीके से आजमाने के लिए, ये विंटर को बेहतरीन तरीके से आगे लेके जाने के लिए. ये एक ऐसा प्रोडक्ट रेंज है जिससे आपका प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सकता है, एंड जिससे आप खुद ग्लोइंग रह सकते हैं, खुद का प्रॉब्लम फ्री रह सकते हैं, एंड ये विंटर को और भी अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं, बिकॉज विंटर सीजन इज फुल ऑफ एंजॉयमेंट. हर जगह पिकनिक होते हैं, लोग घूमने जाते हैं, एंड इन दिस टाइम, एंड स्पेशली मैरिज ओकेजन्स, पार्टीज एंड एवरीथिंग हेल्ड ऑन दिस विंटर सीजन. सो ये विंटर सीजन में खुद को प्रिपेयर्ड रखना, खुद को सही रखना, खुद को ठीक रखना इज द मोस्ट कंसर्न्ड पॉइंट नाउ. सो इसके लिए इतने सारे एनर्मस रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन अभी ये कैसे, क्या करते हैं, क्या बेनिफिट्स आपको मिल सकता है, क्या यूज करना चाहिए, चलिए डिटेल्स में हम लोग देख लेते हैं. सो पहला चीज जो सबके घर में फर्स्ट रहना चाहिए, एंड आई थिंक आप सभी लोग सहमत होंगे मेरे पॉइंट से, हम लोग छोटी उम्र से, व्हेन वी आर किड्स, तब के टाइम से हम लोग देख के आते हैं कि जब भी विंटर आते हैं वी बाय आ मॉइस्चराइजर. हर साल अगर कुछ भी अप्लाई नहीं करते हैं तो विंटर के टाइम एक मॉइस्चराइजर तो जरूर खरीदते हैं. एम आई राइट? इफ आई एम राइट देन यू कैन रेज योर हैंड्स. ये हर घर का कॉमन स्टोरी है,
हर घर का सेम कहानी है कि चाहे आप साल भर कुछ इस्तेमाल ना करें, लेकिन जब भी विंटर आता है तो मॉइस्चराइजर घर में जरूर एंट्री होता है। एम आई राइट? यस, ऑल आर रेजिंग देयर हैंड्स एंड इन कमेंट बॉक्स ऑल्सो वी आर सीइंग द कमेंट। सो या डेफिनेटली इट्स अ राइट पॉइंट। सो मॉइस्चराइजर इज द फर्स्ट थिंग जो डिफाइन करते हैं, जिसको देख के ही हम लोगों को घर में, जब भी हम लोग देखते हैं कि दो प्रोडक्ट ऐसा है, एक है मॉइस्चराइजर और एक है सोप। जब भी सोप चेंज होता है, वी कैन सी जब भी हर मंथ एक सोप आता है एंड अचानक से वो सोप चेंज होता है, नया सोप आता है, देन वी कैन रियलाइज कि यस, विंटर इज कमिंग। सो सेम एज दीज ऑल आर सिंबल्स जो हम लोग जब किड्स थे तब से देख के आ रहे हैं। सो दीज ऑल आर सिंबल्स ऑफ विंटर्स एंड दीज विद ऑल दीज वी कैन चेरिश आवर विंटर, राइट? सो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि है एलोवेरा एंड वाइटामिन ई हाइड्रेटिंग क्रीम, जो कि एक डेली मॉइस्चराइजर है। ये सिर्फ विंटर के लिए नहीं है, ये हर टाइम आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही लाइट वेट है एंड इसमें वाइटामिन ई है। सो दिस कैन बी यूज इन एनी सीजन, लेकिन ये विंटर में भी आप यूज कर सकते हैं, या ये एज अ डेली मॉइस्चराइजर यूज हो सकता है। 24 आवर हाइड्रेशन आपको देंगे फॉर ऑल स्किन टाइप। ये कोई स्पेसिफिक स्किन टाइप के लिए डिफाइंड नहीं है, ये कोई भी स्किन टाइप में ये प्रोडक्ट यूज हो सकता है एंड जरूर ये यूज होना चाहिए। दिस इज अ मैंडेटरी प्रोडक्ट, अ मैंडेट प्रोडक्ट फॉर दिस विंटर। एंड आई थिंक कि सबके घर में, हर घर में ये एक प्रोडक्ट तो जरूर एट फर्स्ट ये प्रोडक्ट आना चाहिए, क्योंकि नवंबर हैज बीन ऑलरेडी अराइव्ड एंड वी हैव टू टेक द प्रिकॉशन। अगर खुद को सही रखना है, खुद की स्किन को अच्छा रखना है, देन दिस विल बी द फर्स्ट प्रोडक्ट वी हैव टू ब्रिंग एट होम। So, ये एक फर्स्ट प्रोडक्ट है जो हम लोग को विंटर से बचा पाएंगे। ये सुपर लाइट एंड रिफ्रेशिंग टेक्सचर है, जैसे कि मैंने बताया कि ये बहुत ही लाइट वेट है। सो ये हर साल यूज हो सकता है एंड ऊपर से ये नॉन ग्रीसी एंड फर्स्ट एब्सॉर्बिंग है। यहाँ पे एक मिथ है जो मुझे भी था, सो आई कैन रिलेट विद दैट, कि हम लोग जब भी कोई मॉइस्चराइजर अप्लाई करते थे तो वी थिंक कि ये अप्लाई करने के बाद खुद को बहुत चिपचिपा फील होता है, खुद की स्किन में ऐसा लगता है कि ऑयल लगा के आ गए फेस में, राइट, व्हेन वी अप्लाई अ मॉइस्चराइजर। बट दिस इज नॉन ग्रीसी एंड फर्स्ट एब्सॉर्बिंग, क्योंकि इसमें एलोवेरा है एंड वाइटामिन ई है, एंड ये दोनों का जो मिक्सचर है ये आपको फील ही नहीं करने देंगे कि आपने कुछ अप्लाई किए। ये बहुत जल्द, बहुत फर्स्ट एब्जॉर्ब हो जाएंगे आपकी स्किन में एंड ये नॉन ग्रीजी है, तो आपको फील नहीं होगा कि आपने कुछ अप्लाई किए एंड इट विल कीप यू हाइड्रेटेड ऑल थ्रू द डे। सो ये आप एट अ डे टाइम एंड एट अ नाइट टाइम आप ये प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड नॉट ओनली दैट, आप ये अप्लाई करने के बाद आप डे क्रीम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आप डे के टाइम ये प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं तो। अगर आप नाइट के टाइम इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप नाइट क्रीम भी इसके बाद इस्तेमाल कर सकते हैं, और एल्स आप ये भी एज अ नाइट क्रीम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये एक मैंडेट प्रोडक्ट है, आपको जरूर लेना चाहिए। हर घर में ये प्रोडक्ट फर्स्ट में एंट्री होना चाहिए जब भी हम लोग बात करते हैं मॉइस्चराइजर का। एंड इसके बाद अगर और भी एक अच्छे एग्जाम्पल के साथ, एक जिनका मानी कि बहुत एक्सेसिव ड्राई स्किन है, एकदम इतना ड्राई स्किन है कि स्किन स्किन फट जाने का भी चांसेस होता है, ऐसे भी बहुत सारे ड्राई स्किन्स होते हैं, सो उनके लिए ये प्रोडक्ट दी एलोवेरा मॉइस्चराइजिंग क्रीम, ये बहुत डीप मॉइस्चराइज्ड क्रीम है। इसमें मॉइस्चराइजिंग का बैलेंस बहुत ज्यादा है एंड जिनका स्किन बहुत ड्राई होता है एंड ऐसा लगता है कि स्किन का जो अपर लेयर है वो उठ रहा है एंड स्किन फट रहा है, स्किन से ब्लीड होने का भी चांसेस होता है बहुत सारे लोगों का जिनका एक्सेसिव ड्राई स्किन है। सो उनके लिए एलोवेरा मॉइस्चराइजिंग क्रीम कैन बी अ वेरी गुड प्रोडक्ट। ये आपकी स्किन को हाइड्रेटेड रखेंगे, स्मूथ बनाएंगे एंड आपकी स्किन का जो नेचुरल मॉइस्चर है
उसको रिटेन करने में हेल्प करेंगे। नॉट ओनली दैट, इसमें भी एलोवेरा है, तो ये आपके कोई भी सनबर्न से भी ट्रीट कर सकते हैं। एंड नॉट ओनली दैट, ये आपका स्किन का इलास्टिसिटी को मेंटेन कर पाएंगे। सो अगर आपका स्किन बहुत ही ड्राई है, एक्सेसिव ड्राई है, देन आई विल रिकमेंड कि आप ये प्रोडक्ट को लीजिए। अगर आपका स्किन नॉर्मली उतना ड्राई नहीं है, देन यू कैन गो फॉर आवर हाइड्रेटिंग क्रीम, दिस इज द प्रीवियस प्रोडक्ट। एंड अगर आपका स्किन बहुत ही ड्राई है एंड यू नीड अ डीप मॉइस्चराइजर, देन यू कैन गो फॉर दिस प्रोडक्ट। एंड आई थिंक इन विंटर सबको एक डीप मॉइस्चराइजर का जरूरत है, जिनका ड्राई, नॉर्मल टू ड्राई स्किन है। अगर किसी का ऑयली स्किन है तो उतना भी डीप मॉइस्चराइजर की जरूरत नहीं होता है, लेकिन जिनका नॉर्मल टू ड्राई स्किन है उनको बहुत डीप मॉइस्चराइजर का जरूरत होता है। एंड फॉर दैट आई विल सजेस्ट कि आप ये प्रोडक्ट को चुनें। इट विल गिव यू अ वेरी डीप मॉइस्चराइज स्किन एंड वेरी स्मूथ सपल स्किन इन दिस विंटर। ये भी आप एट अ डे टाइम एज अ मॉइस्चराइजर एंड एट नाइट टाइम आप यूज कर सकते हैं फेस में, एंड इट विल गिव यू अ वेरी गुड रिजल्ट टू कीप योर स्किन ग्लोइंग इन दिस विंटर। सो अगर किसी का बहुत ड्राई स्किन है, देन इट विल बी माई पर्सनल सजेशन कि आप विटामिन ई को स्किप करके आप ये प्रोडक्ट को ले सकते हैं, अगर आपका स्किन बहुत एक्सेसिव ड्राई है। एंड अगर आपको लग रहा है कि नहीं, मुझे इतना एक्सेसिव ड्राई तो है नहीं, देन यू कैन गो फॉर दैट प्रोडक्ट टू, विटामिन ई। सो अभी आगे बढ़ते हैं, ये तो रहा फेस का, फेस के लिए दो प्रोडक्ट। एंड ऐसे भी एक क्वेरीज आ सकता है कि अगर कोई व्यक्ति दो ही प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कैसे करें। देन आई विल रिकमेंड कि आप विटामिन ई एंड हाइड्रेशन क्रीम जो है, ये आप मॉर्निंग के टाइम या फिर इवनिंग के टाइम आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड एट नाइट एट बेड टाइम आप ये एलोवेरा का ये डीप क्लींजिंग प्रोडक्ट, डीप मॉइस्चराइज प्रोडक्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मॉइस्चराइजिंग का इफेक्ट बहुत ज्यादा है एंड ये नरिशमेंट भी बहुत ज्यादा देता है। तो एट नाइट टाइम यू कैन यूज दिस प्रोडक्ट अगर आप दोनों ही प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो। एंड इफ आई विल से माई पर्सनल सजेशन, देन अगर किसी का बहुत ही ज्यादा एक्सेसिव ड्राई है, देन गो फॉर दिस प्रोडक्ट। एंड अगर आपका ऑयली स्किन है एंड उतना ड्राई नहीं है, देन गो फॉर दिस प्रोडक्ट। यू हैव टू चॉइसेस, आप दोनों में कोई भी एक प्रोडक्ट को चुन सकते हैं। एंड इसके साथ अभी आते हैं, सिर्फ फेस का ख्याल रखने से तो नहीं होगा, बॉडी का भी ख्याल रखना पड़ेगा। एम आई राइट? सो फॉर बॉडी, दिस इज दी एस मॉइस्ट मॉइस्चराइजिंग लोशन, जो कि स्पेशली विंटर के लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि ये आपके स्किन का जो डेड स्किन सेल्स है उसको रिहाइड्रेट कर सकते हैं, ड्राई स्किन को रिप्लेनिश कर सकते हैं, एंड ये ड्राई एंड रफ स्किन को हटा सकते हैं। एंड इवन इट कैन गिव यू अ स्मूथ सपल स्किन, एंड आपके स्किन को एक रिलैक्स्ड फील देंगे। एंड उसके साथ ये आपके स्किन को मॉइस्चराइज रखेंगे, सॉफ्ट रखेंगे, एंड ये आप फुल बॉडी में, आपके हैंड्स एंड आपके लेग्स में आपको जरूर इस्तेमाल करना चाहिए ये विंटर के टाइम में, क्योंकि विंटर के टाइम में हैंड एंड लेग्स में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, एंड दे गेट ऑल्सो वेरी ड्राई, वेरी रफ। तो उससे बचने के लिए आप एस मॉइस्ट मॉइस्चराइजिंग लोशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपको डीप मॉइस्चराइज्ड एक स्किन मिलेंगे एंड इट विल कीप यू वेरी हेल्दी, इट विल कीप योर स्किन वेरी हेल्दी। एंड इसके साथ और एक ऑप्शन आपको मिल सकता है, और एक चॉइस आपके पास हो सकता है, दैट इज विटामिन ई बॉडी लोशन। ये एलोवेरा एंड विटामिन ई बॉडी लोशन ये ऑल सीजन के लिए है, नॉट ओनली फॉर विंटर, ये ऑल सीजन के लिए है। तो ये आप कोई भी सीजन में इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर किसी का स्किन ऑयली है एंड इफ ही और शी डोंट गेट टू मच रफ स्किन, देन यू कैन कंटिन्यू दिस प्रोडक्ट इन विंटर टू। आप ये प्रोडक्ट भी विंटर में कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रोडक्ट में कुछ और भी एक्स्ट्रा बेनिफिट्स डाला हुआ है, जैसे कि ये स्किन को मॉइस्चराइज तो करते ही है, उसके साथ अगर आपका कोई भी ऊंड है तो वो भी हील कर सकते हैं। इसमें विटामिन ई है एंड एलोवेरा है, सो ये आपके स्किन कैंसर से भी प्रिवेंट कर सकते हैं, एंड ये स्किन इचिंग से भी आपको दूर रख सकते हैं। अगर किसी का एक्जिमा है और स्वेरिसिस है, दे कैन ऑल्सो यूज दिस प्रोडक्ट। आई एम नॉट सेइंग कि ये एक्जिमा और स्वेरिसिस से आपको प्रोटेक्ट
प्रोटेक्ट करेंगे, या फिर ये प्रोडक्ट्स वेरिसिस और एक्जिमा के लिए है, इट्स नॉट लाइक दैट. लेकिन ये अगर किसी को है सोरेसिस या फिर एक्जिमा, देन ऑल्सो ही और शी कैन यूज दिस प्रोडक्ट. ये कोई हार्म नहीं करेंगे. ये आपके स्किन का कोई भी कर्स को प्रिवेंट करने में हेल्प कर सकते हैं. एंड नॉट ओनली दैट, अगर किसी का फाइन लाइंस एंड रिंकल्स है, उससे भी ये प्रोडक्ट आपको हेल्प कर सकते हैं. ये इसके साथ, मतलब मॉइस्चराइजिंग स्किल के साथ, इसके साथ आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिल रहे हैं. ये प्रोडक्ट भी आप ले सकते हैं. एंड अगर आपका स्किन बहुत ही रफ है एंड यू नीड अ डीप मॉइस्चराइज्ड लोशन, देन आई विल रिकमेंड यू कैन गो फॉर एस मॉइस्ट मॉइस्चराइजिंग लोशन. ये एक डीप मॉइस्चराइज्ड लोशन है एंड फॉर विंटर इट कैन गिव अ वेरी गुड रिजल्ट, क्योंकि इसमें आमंड है, एलोवेरा है एंड वेरी गुड इंग्रेडिएंट्स है इसमें, जो आपको ये विंटर से बहुत सुरक्षित रख सकते हैं. एंड इसके साथ विटामिन ई एंड एलोवेरा इज ऑल राउंडर फॉर एवरी सीजन. अगर कोई कंटिन्यू कर रहा है ये प्रोडक्ट को, आप कंटिन्यू जरूर कर सकते हैं. एंड अगर किसी ने अभी तक लिया नहीं है, देन देयर आर टू चॉइसेस फॉर यू. आप कोई भी एक प्रोडक्ट को चुन सकते हैं. फेस के लिए हो गया है, बॉडी के लिए भी लोशन आपको मिल चुका है, लेकिन यहीं पे ये खत्म नहीं होता है. वी नीड मोर प्रोडक्ट्स टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ. अभी तक सिर्फ दो प्रोडक्ट आया है. लेट्स सी नेक्स्ट विच प्रोडक्ट. नेक्स्ट दैट इज फुट क्रैक क्रीम, यानी कि फ्रूट क्रीम, जो सबसे इंपॉर्टेंट है. भले कि ये हर सीजन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन विंटर में ये सबका जरूरत है, क्योंकि क्रैक्ट हिल्स हिल्स का ये क्रैक्ट हिल्स का प्रॉब्लम सभी को सबसे ज्यादा आता है विंटर्स में. एंड फॉर यू ऑल दिस विल बी दी आंसर. ये फुट क्रीम, ये आपको एक डीप हाइड्रेशन देंगे आपके हिल्स को. एंड ये शॉकिंग मैटर है कि अगर कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है आपके हिल्स में, तो ये रिमूव कर सकते हैं. एंड इट कैन रिपेयर योर क्रैक स्किन सरफेस एंड मेकिंग इट सॉफ्ट एंड स्मूथ. ये आपका क्रैक्ड जो हिल्स है उसको रिपेयर कर सकते हैं, नए स्मूथ एंड सपल सॉफ्ट स्किन दे सकते हैं आपके हिल्स को. ये विंटर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है सबके लिए. एंड नॉट ओनली फॉर विंटर, अगर किसी का प्रॉब्लम हर साल है, ये प्रॉब्लम एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है. एंड आई डोंट थिंक कि सबका होता है, लेकिन जिसका होता है उनके लिए ये बहुत ही एक पिक्यूलियर प्रॉब्लम है, क्योंकि क्रैक्ट हील्स अगर जिसका है, तो वो अच्छे शू भी नहीं पहन सकते. अच्छे हील्स, अगर मैं स्पेशली विमेन का बात करूंगी, दे कांट वेयर वेरी गुड स्लीपर्स, वेरी गुड हील्स, क्योंकि अगर आपका हील्स अच्छे नहीं दिखेंगे, देन यू कांट गो फॉर अ गुड स्लीपर और गुड हील्स, राइट? इसीलिए ये एक बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम नहीं है. ये प्रॉब्लम से ये प्रोडक्ट आपको दूर रख सकते हैं. एंड यू कैन यूज दिस प्रोडक्ट ट्वाइस अ डे विथ जस्ट क्लीन योर लेग्स. आपके फीट्स को बहुत अच्छे से आप क्लीन कीजिए एंड आप ये प्रोडक्ट को दो टाइम अप्लाई कर सकते हैं. आप मॉर्निंग के टाइम भी अप्लाई कर सकते हैं, बट द बेस्ट टाइम टू अप्लाई दैट इज एट नाइट, क्योंकि नाइट के टाइम आप चलते नहीं है, आप रेस्ट में रहते हैं, आप सो जाते हैं. अगर आप आपके फेस को क्लीन सॉरी आपके फीट को क्लीन कर सकते हैं एंड आफ्टर क्लीनिंग योर फीट नाइसली अप्लाई दिस प्रोडक्ट एंड आप सो जाइए एट नाइट, देन इट विल गिव यू अ नाइस हीलिंग टू योर हील्स एंड योर क्रैक्ट फुट. ये एक बहुत ही यूजफुल प्रोडक्ट है फॉर योर हिल्स. एंड आई थिंक अगर किसी का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, दे शुड डेफिनेटली टेक दिस प्रोडक्ट. अगर किसी का प्रॉब्लम नहीं है, देन ऑल्सो दे कैन टेक दिस प्रोडक्ट फॉर अ प्रिकॉशन. इट विल हेल्प यू आउट इन योर फ्यूचर. अभी इसके साथ और भी आगे बढ़ते हैं, इसके साथ और एक प्रोडक्ट देखते हैं, दैट इज लिप बाम. यानी कि जब भी, जैसे कि मैंने कहा कि ये विंटर के टाइम लिप्स को देख के सबसे ज्यादा पता चलता है, अवर लिप्स गेट वेरी मच ड्राई एंड फॉर दैट वी हैव टू यूज अ प्रोटेक्शन. एंड उसके लिए ये लिप बम विल गिव यू अ वेरी गुड रिजल्ट. ये यूवी प्रोटेक्शन है, तो आप डे टाइम में भी यूज कर सकते हैं एंड ये टैन भी रिमूव करता है. आपकी लिप से आपका टैन भी रिमूव कर पाएंगे एंड इट विल हेल्प यू टू गेट बैक द नेचुरल लिप कलर.
ये स्ट्रॉबेरी रिलेटेड है एंड ये कलर देखने में भी पिंक है. इट डजेंट मीन दैट इट विल गिव यू अ पिंकिश लिप. नो, नेवर. इसमें कोई कलर एडेड नहीं है तो ये आपको पिंक लिप नहीं दे सकते. लेकिन अगर आपका नेचुरल लिप कलर खो गया है देन इट कैन ब्रिंग बैक दैट. यू कैन गेट बैक योर नेचुरल लिप कलर. लेकिन इससे कोई कलर एडेड नहीं है. सो एवरी वन कैन यूज दिस प्रोडक्ट. ये प्रोडक्ट से कोई कलर नहीं आएंगे आपके लिप्स में. एंड ऑब्वियसली इट विल मॉइस्चराइज योर लिप्स. सो दिस इज अ मोस्ट वॉन्टेड एंड मोस्ट बाइंग प्रोडक्ट फॉर विंटर. जो बोलने का भी जरूरत नहीं पड़ता है, हर कोई ले लेते हैं ये प्रोडक्ट को. एंड एवरीवन टेक दिस प्रोडक्ट. एवरीवन कीप दैट इन देयर बैग. कोई भी जेंट्स के भी बैग में अगर सर्च किया जाए विंटर के टाइम में तो एक लिप बम मिल जाता है. सो डेफिनेटली दिस विल बी अ प्रोडक्ट वेरी गुड टू कैरी, इजी टू कैरी. सो आप ये प्रोडक्ट जरूर ले सकते हैं. इट विल गिव यू अ वेरी गुड प्रोटेक्शन. एंड इसमें यूवी प्रोटेक्शन डाला हुआ है. इट कैन गिव यू अ वेरी गुड प्रोटेक्शन इन डे टाइम टू. एंड इसको तो अलग से कुछ बताने के लिए जरूरत है नहीं. एंड फॉर वीमेन आई कैन डेफिनेटली से वन पॉइंट कि हम लोग जब भी लिपस्टिक अप्लाई करते हैं या फिर लिप ग्लॉस अप्लाई करते हैं देन ऑल्सो वी फील कि स्किन आवर लिप्स आर वेरी चैपी एंड लिप्स आर गेटिंग वेरी रफ. सो फॉर यू ऑल इट कैन बी अ टिप्स कि आप ये प्रोडक्ट अप्लाई करके इसके बाद आप लिपस्टिक या फिर लिप ग्लॉस या फिर लिप कुछ भी लिप लाइनर आप यूज कर सकते हैं. इससे आपका लिप्स भी मॉइस्चराइज रहेंगे एंड लिप्स को कोई हार्म भी नहीं पहुंचेंगे. सो इट विल बी अ वेरी गुड प्रोडक्ट फॉर एवरीवन, नॉट फॉर ओनली फॉर वीमेन. जैसे कि मैंने कहा, मेन के लिए भी, क्योंकि ये प्रोडक्ट से कोई कलर नहीं आता है. सो डरने का कोई बात नहीं है. आप ये प्रोडक्ट सबको इस्तेमाल कर सकते हैं. एंड इसके बाद आते हैं दैट इज द मोस्ट सीइंग प्रोडक्ट. एंड जैसे कि मैंने कहा, दिस इज अ सिंबल ऑफ विंटर. क्योंकि विंटर के टाइम और कुछ चेंज हो या ना हो, साबुन सबके घर में चेंज होता है. एंड डेफिनेटली इट्स मॉइस्चराइजेस आवर स्किन. एंड डेफिनेटली ये ट्रांसपेरेंट सोप जो है, ये इसमें ग्लिसरीन ऐड किया हुआ रहता है जो कि हम लोगों का पोर्स को क्लॉग्ड ना करते हुए पोर्स को एक प्रोटेक्टिव बैरियर क्रिएट करते हैं. एंड ऊपर से ये हम लोग का जो नेचुरल प्रोडक्ट्स है तो ये क्रुएल्टी फ्री है एंड इसमें कोई बैड इंग्रेडिएंट्स नहीं डाला हुआ है. सो ये आपको इफेक्ट नहीं करेंगे. ऊपर से ये आपके स्किन को क्लीन भी रखेंगे, सॉफ्ट भी रखेंगे एंड आपके मॉइस्चर को रिटेन करने में भी हेल्प करेंगे आवर ट्रांसपेरेंट सोप. सो दिस इज द प्रोडक्ट जो हर घर में होना चाहिए एंड हर घर में आते भी है व्हेन विंटर्स अराइव्स, राइट. एंड आप लोग सोचते रहेंगे कि एक प्रोडक्ट तो मैंने शो नहीं किया यहाँ पे. या डेफिनेटली दैट इज ऑलिव ऑयल. आई थिंक ये स्लाइड्स में ऑलिव ऑयल नहीं था, बट आई वुड डेफिनेटली लाइक टू से यू अबाउट ऑलिव ऑयल बॉडी ऑयल, जो कि एक बहुत ही अच्छा इंग्रेडिएंट है. यहाँ पे आपको दिख रहा है ऑलिव बॉडी ऑयल, जो आपको रॉ ऑलिव ऑयल मिल सकता है एंड दिस कैन डेफिनेटली गिव यू अ ट्रिमेंडस रिजल्ट. अभी ऑलिव ऑयल आप कब यूज करेंगे? अभी यहाँ पे एक कंफ्यूजन हो सकता है कि लोशन भी यूज करेंगे, ऑयल भी यूज करेंगे, तो कब यूज करेंगे? देन आई हैव अ सॉल्यूशन फॉर यू. आप विटामिन ई या एस मॉइस्ट बॉडी लोशन, ये दोनों में से कोई भी एक लोशन को चुनिए एंड ऑलिव ऑयल आप घर में जरूर रखिए. आप नहाने से पहले आप जरूर ऑलिव ऑयल को इस्तेमाल कीजिए. एंड आफ्टर अप्लाइंग ऑलिव ऑयल गेट अ बाथ. एंड आफ्टर कमिंग फ्रॉम बाथ यू कैन अप्लाई लोशन. इससे आपका ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कि आपको बॉडी ऑयल यूज करना चाहिए या लोशन यूज करना चाहिए. दोनों का काम अलग है. आप दोनों ही इस्तेमाल कर सकते हैं एट अ टाइम इफ यू वॉन्ट. सो देयर वॉज अ सॉल्यूशन फॉर यू. सो ये था सारे प्रोडक्ट जिसके साथ आप ये विंटर को बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं एंड ये विंटर को बहुत अच्छे से गुजर सकते हैं विद ऑल दिस प्रोडक्ट एंड विद ऑल दिस प्रोटेक्शन. सो दिस वाज टुडेज वेबिनार, जिससे आप विंटर में अच्छे रह सकते हैं एंड विंटर में भी आप विदाउट एनी वरी आप बहुत अच्छे से विंटर को गुजर सकते हैं. सो नाउ नो नीड टू वरी While winter is arriving, क्योंकि हम लोगों के पास SHPL का प्रोडक्ट्स है एंड इट विल कीप अस ग्लोइंग एंड कीप अस रिफ्रेशिंग एंड गिव अस अ वेरी
गुड एंड हेल्दी स्किन इन दिस विंटर टू। सो ये था आज विंटर स्पेशल वेबिनार, क्योंकि ये ऑलरेडी नवंबर हैज बीन अराइव्ड एंड वी आर रनिंग ऑन नवंबर। सो डेफिनेटली विंटर केयर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर नाउ फॉर एवरी वन। नाउ वी हैव टू टेक केयर ऑफ अवर स्किन, ऑफ अवर बॉडी, ऑफ अवर हेयर टू। अभी यहाँ पे हेयर का विंटर केयर के लिए हेयर में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, सो वो आज यहाँ पे नहीं था। आई विल कम विद ऑल दैट प्रोडक्ट्स ऑल्सो ऑन आवर नेक्स्ट वेबिनार, कि विंटर में हेयर के लिए क्या करना चाहिए वो भी मैं जरूर आप लोग के साथ शेयर करूंगी। आज का वेबिनार तो मेरा यही तक था। आई होप कि ये वेबिनार आपको ये विंटर में हेल्प करेंगे खुद को स्वस्थ रखने में एंड दूसरों को भी स्वस्थ रखने में। सो आई होप ये वेबिनार आपको हेल्प करेंगे फॉर एंटायर दिस मंथ एंड कमिंग ऑल द मंथ्स ऑफ विंटर, मिसमेरिजिंग विंटर। एंड आई थिंक ये वेबिनार आपके बिजनेस को भी बढ़ाने में हेल्प करेंगे, क्योंकि नवंबर हैज बीन जस्ट स्टार्टेड एंड देयर आर सो मेनी डेज लेफ्ट। सो ये वेबिनार आप सभी के लिए बहुत ही फायदेमंद हो, यही होप करते हैं। सो आई थिंक आज का वेबिनार आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स लाएंगे। एंड अगर कोई भी सवाल है आज के वेबिनार के रिगार्डिंग, ये विंटर प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरीज है, कोई भी डाउट्स है, देन यू कैन डू कमेंट्स। आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपका अगर कोई भी सवाल है ये प्रोडक्ट्स को लेके, ये प्रोडक्ट रिगार्डिंग, तो आप जरूर ये सवाल कर सकते हैं। आई कैन गिव यू द आंसर। एनीवन, एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरीज अबाउट टुडेज वेबिनार? एनी क्वेश्चन? नो क्वेश्चन। ऑल आर जस्ट कीप पुटिंग देयर कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू एवरीवन फॉर योर वंडरफुल एंड ब्यूटिफुल कमेंट्स। रिपीट नाउ फर्स्ट। ओके, आई डोंट थिंक सो कि कोई क्वेरीज है आज के सेशन के लिए रिगार्डिंग, या पिंपल के लिए आज का सेशन नहीं था। पिंपल के लिए ऑलरेडी सेशन हो चुका है यहाँ पे इसके साइफुल। आई थिंक कि आप अगर यूट्यूब में फॉलो करेंगे तो आपको पिंपल के लिए सॉल्यूशन मिल जाएंगे। आप एक बार यूट्यूब में फॉलो कर लीजिए, आपको पिंपल्स का सेशन मिल जाएंगे। क्या विटामिन ई एलोवेरा मॉइस्चराइजर को फेस पे अप्लाई कर सकते हैं? नो, डेफिनेटली इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। मैं ये बताना भूल गई थी। सभी का ये कहना है कि एक ही प्रोडक्ट ले लेंगे एंड फेस में, बॉडी में अप्लाई कर लेंगे। नो, डोंट डू दैट। फेस का स्किन अलग होता है, बॉडी का स्किन अलग होता है, सो डोंट अप्लाई वन प्रोडक्ट इन फेस ऑल्सो इन स्किन ऑल्सो, कुछ फायदा नहीं होगा। फेस के लिए आप मॉइस्चराइजर यूज कीजिए एंड बॉडी के लिए, मतलब मॉइस्चराइजर क्रीम आप फेस के लिए यूज कीजिए एंड बॉडी के लिए आप लोशन यूज कीजिए, या फिर ऑयल भी आप यूज कर सकते हैं। लेकिन एक ही प्रोडक्ट आप फेस में एंड बॉडी में आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। सो विटामिन ई एलोवेरा मॉइस्चराइजर क्रीम, अगर आप हाइड्रेटिंग क्रीम के बारे में बात कर रहे हैं, देन डेफिनेटली यू कैन अप्लाई दैट ऑन योर फेस। लेकिन अगर आप लोशन के बारे में बात कर रहे हैं, देन डेफिनेटली अप्लाई दैट ऑन योर बॉडी। विंटर में स्किन ब्लैक होने लगती है, सो फॉर दैट ओके। या विंटर में थोड़ा स्किन डार्क होता है, इट्स नॉट ओनली फॉर यू, इट्स फॉर अस एवरीवन। वी ग्लो एट समर एंड वी लिटिल बिट वी गेट डार्क इन विंटर, वी लिटिल बिट वी गेट डल इन विंटर। लेकिन अगर आप प्रिकॉशंस लेते हैं विंटर आने से पहले से ही, मतलब जब ये टाइम है अक्टूबर लास्ट टू नवंबर, अप टू नवंबर 15, ये जो प्रिकॉशन टाइम है, अगर ये टाइम में आप प्रॉपरली प्रिकॉशन लेते हैं, देन आई डोंट थिंक कि आपके स्किन में उतना डलनेस आएंगे। यू कैन ट्राई दिस ऑन दिस ईयर, यू कैन ट्राई दैट। आप ये सारे प्रोडक्ट को इस्तेमाल कीजिए एंड डेफिनेटली अलोंग विद दिस, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप यही प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे, इसके साथ जो आपका स्किन केयर रूटीन है तो डेफिनेटली आप फॉलो कीजिए। आप फेस वॉश को भी यूज कीजिए, टोनर को भी यूज कीजिए, सनस्क्रीन को भी यूज कीजिए। आपका जो रूटीन है उसके साथ आप ये प्रोडक्ट्स को ऐड कीजिए,
आई एम श्योर कि आपका जो प्रॉब्लम आप पिछले साल में फेस करते आ रहे हैं वो प्रॉब्लम इस साल नहीं होंगे। आई डोंट थिंक सो एनी क्वेश्चन इज देयर। एलोवेरा जेल, एलोवेरा जेल, ओके, एलोवेरा जेल कैन बी यूज्ड एट नाइट इन ऑयली स्किन, लेकिन अगर किसी का ड्राई स्किन है तो आप सिर्फ एलोवेरा जेल लगाएंगे तो आपका स्किन और भी ड्राई बन सकता है, सो डोंट यूज दैट। एलोवेरा जेल यूज मत कीजिए, उसके जगह में ड्राई स्किन है तो आप जरूर एलोवेरा मॉइस्चराइजिंग जो हम लोग का क्रीम है आप वो यूज कर सकते हैं। विच फेस वॉश फॉर ड्राई स्किन इन विंटर? ओके, यू कैन यूज विटामिन सी फेस वॉश। और यहाँ पे एक सवाल था, अगर पिंपल्स है तो वो प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? या डेफिनेटली अगर आपका पिंपल्स है एंड स्किन भी ड्राई है तो डेफिनेटली यू हैव टू यूज, मतलब आपको यूज करना चाहिए विंटर केयर प्रोडक्ट्स, तो आप यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका पिंपल्स है तो पिंपल्स का केयर पहले लेना बहुत जरूरी है। रिंकल्स आई के चारों तरफ है तो कैसे रिमूव किया जाए? वी रिसेंटली हैव अ अंडर आई डार्क सर्कल सेशन एंड आई थिंक इट विल हेल्प यू आउट। सो आप यूट्यूब में चले जाइए, यूट्यूब का चैनल का नाम है शर्वाश्री हर्ब्स प्राइवेट लिमिटेड, यू जस्ट गो देयर एंड चेक इट आउट, आपको मिल जाएगा, वहां पे आपको सॉल्यूशन जरूर मिल जाएगा। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फूड क्रीम एंड क्रैक क्रीम? नो, वी डोंट हैव टू प्रोडक्ट, वी ओनली हैव वन प्रोडक्ट, फूड क्रीम। सो देयर इज नो डिफरेंस। इफ आई से समटाइम फूड क्रैक क्रीम, इट मींस फूड क्रीम ओनली, इट कैन हेल्प यू आउट टू गेट हील्ड फ्रॉम योर क्रैक हील्स। ओके, 10 ईयर्स के बच्चे कैन यूज लोशन? या डेफिनेटली दे कैन यूज दिस लोशन, बट आई थिंक कि 10 साल के बच्चे हैं तो दे कैन यूज देयर बेबी लोशंस। वी हैव बेबी लोशन, दे कैन यूज दैट। और अगर वो खुद से कोई बेबी लोशन यूज कर रहे हैं तो वो भी कंटिन्यू कर सकते हैं। इट्स नॉट मैंडेटरी कि 10 साल का बच्चे को भी ये लोशन इस्तेमाल करना चाहिए। एंड एनी ब्यूटी केयर प्रोडक्ट्स और एनी स्किन केयर प्रोडक्ट्स कैन बी स्टार्टेड आफ्टर 13। सो आफ्टर 13 ईयर्स आप कोई भी प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड आई डोंट थिंक सो कि और कोई सवाल है। सो थैंक यू एवरी वन फॉर बींग विथ अस। एंड ऐसे ही आप लोग, रिपीट चैनल नेम या द कंपनीज नेम इज ओनली द चैनल नेम शर्वाश्री हब्स प्राइवेट लिमिटेड, आप यूट्यूब में सर्च कीजिए, आपको मिल जाएंगे। डैंड्रफ हेयर इन विंटर, आज का सेशन हेयर के लिए नहीं था, ये हेयर के लिए, हेयर केयर के लिए मैं जरूर अगला सेशन लेके आऊंगी, विंटर में हेयर केयर कैसे करना चाहिए। सो आई थिंक आज का वेबिनार यहीं पे वाइंड अप करते हैं एंड वी कैन गो फार्दर। हम लोग नेक्स्ट वेबिनार में फिर से मुलाकात करेंगे। नेक्स्ट वेबिनार में अगर आपका कोई भी सवाल है आप जरूर कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर अटेंडिंग दिस वेबिनार, फॉर बीइंग विद अस, फॉर सपोर्टिंग एसएचपीएल। थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ वेरी गुड मंथ इन नवंबर। नवंबर ऑलरेडी आज फर्स्ट है एंड आई विश कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से ये मंथ को क्लोज करें एंड ये मंथ का जितने सारे ऑफर्स हैं वो ऑफर्स को अचीव करें। ऑल द बेस्ट फॉर योर बिजनेस एंड हैव अ वेरी गुड मंथ। एंड सबके साथ फिर से मुलाकात होगा कोई एक वेबिनार में, लेकिन एसएचपीएल जूम का वेबिनार का मुलाकात आपके साथ होगा कल ठीक शाम 8 बजे। सो थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग विद अस एंड थैंक यू वंस अगेन टू ऑल दोज हु हैव कमेंटेड इन द कमेंट बॉक्स एंड दोज हु हैव रेज्ड देयर हैंड्स। थैंक यू फॉर योर एनकरेजमेंट, थैंक यू फॉर ऑल योर सपोर्ट। थैंक यू एवरीवन एंड गुड नाइट।